तो आज के वीडियो में हम बनाएंगे पनीर टिक्का। पनीर टिक्का बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप में, बिना ओवन के बनाएंगे, बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर में बनाएंगे हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पनीर टिक्का की रेसिपी। बनाएंगे एक अच्छी सी चटनी, बहुत ही टेस्टी और इजी चटनी है। तो यहाँ लिया है मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर, इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून जीरा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, के साथ ही मैं डालूंगी यहाँ 2 से 3 हरी मिर्ची। तो आप हरी मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और इसमें हम डालेंगे ये दलिया, तो ये हमारी चटनी को स्मूथ टेक्सचर देंगे। और इसमें हम डालेंगे काफ़ी सारा धनिया और पुदीना, डालेंगे 1 मीडियम साइज का लेमन जूस, और अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। तो फ्रेंड्स, हमारी चटनी जो है वो ग्राइंड हो चुकी है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे वो बड़े चम्मच दही के। दही जो है डालने से हमारी चटनी को जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और हम अब इसे फिर ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए, रेडी है हमारी चटनी। आप देख सकते हो ये परफेक्ट टेक्सचर में है और कलर भी इसका बहुत ही अच्छा आया है। तो अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अब बनाएंगे हम पनीर टिक्का। तो पनीर टिक्का बनाने के लिए अब हमें बनाना है एक मैरिनेशन। तो मैरिनेशन के लिए यहाँ एक कढ़ाई रखी है, हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। और अब हम 2 टेबलस्पून बेसन को भून लेंगे। तो लो फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे आपको कंटिन्यूसली स्टर करना है और अच्छे से भून लेना है। आप इसे छोड़ दोगे तो बेसन जो है हमारा जल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा बेसन जो है वो भून चुका है। अब हम इसे बाउल में निकाल देंगे। और अब यहाँ मैंने लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल, 2 टेबलस्पून रोस्टेड बेसन जो हमने रोस्ट कर लिया था, के साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप कर्ड दही और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, रोस्टेड जीरा पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल। तो आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैं 1 मीडियम साइज लेमन जूस, और अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नटमेग जायफल का पाउडर, के साथ डालूंगी 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं डालूंगी रेड फूड कलर थोड़ा सा, बिल्कुल हम डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो। मिक्स कर लेंगे हम। और अब हमें इसमें डालना है ये ऑनियन स्लाइस किया हुआ, के साथ ही मैं डालूंगी इसमें कैप्सिकम। तो वेजिटेबल्स आप अपने चॉइस से ले सकते हो, आप इसमें टमाटो भी डाल सकते हो। और इसमें मैं डालूंगी 300 ग्राम्स पनीर क्यूब में कटा हुआ। और अब हम करेंगे इसे मिक्स। तो फ्रेंड्स, हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है ताकि हमारा जो मैरिनेशन है वो अच्छे से हमारी वेजिटेबल्स को कोट हो जाए, पनीर को कोट हो जाए। और इसमें हम डालेंगे अब स्वाद अनुसार नमक, तो मैं पहले डालना भूल गई थी, तो आप इसे स्पाइसेस के साथ ही ऐड कर लें। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो अब हम इसे 30 मिनट्स के लिए फ्रीज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो फ्रेंड्स याद रखें, हमें फ्रीज में रखना है, इसे बाहर नहीं छोड़ना है। तो फ्रेंड्स इसे मैंने 30 मिनट्स के लिए फ्रीज में रखा था मैरिनेशन के लिए। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने निकाल दिया है और यहाँ मैंने लिया है स्क्यूअर और अब हम इसे स्क्यूअर में डालेंगे। तो पहले मैं डालूंगी पनीर का क्यूब। उसके बाद मैं डालूंगी ऑनियन। उसके बाद हम डालेंगे कैप्सिकम। और फिर से हम डालेंगे इसमें पनीर, ऑनियन और कैप्सिकम। और ऐसे ही सीक्वेंस से हम अपने सब स्क्यूअर्स को रेडी कर लेंगे। और अब करते हैं हम इसे शैलो फ्राई। तो शैलो फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने रखा है एक नॉनस्टिक पैन और अब हम करेंगे फ्लेम को लो। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, और अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप इस पे रेगुलर तवे का भी, नॉन स्टिकी तवे का भी यूज कर सकते। और पैन को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। पैन हमारा यहाँ अच्छे से गर्म हो चुका है, हम इस पे ग्रीस कर लेंगे बटर से। तो आप यहाँ ऑयल का भी यूज कर सकते हो। और अब हम ये प्लेस करेंगे ये स्क्यूअर्स। और लो फ्लेम पे हम हमारे पनीर टिक्का को शैलो फ्राई कर लेंगे। इसे हम थोड़ा सा बटर से ऊपर से भी बटर डाल देंगे। और अब हम इसे पलट लेंगे। पनीर टिक्का को हम चारों साइड से अच्छे से शैलो फ्राई कर देंगे। और आप देख सकते हो इन पे अच्छी सी गोल्डन ब्राउन लेयर आ चुकी है। हमारे पनीर टिक्का जो है वो अच्छे से शैलो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो अब हम आगे इसको एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए गैस पे हम इसे रोस्ट करेंगे ताकि इसमें एक स्मोकी और तंदूरी फ्लेवर आ जाए। तो ऐसे ही मैं सब गैस पे रोस्ट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स लीजिए, रेडी है हमारा पनीर टिक्का, बहुत ही स्मोकी फ्लेवर वाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को इनेबल कीजिए ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। हैप्पी कुकिंग।